करियर से जुड़ी अच्छी गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए कोड हिंदी को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। अपने रेज्यूमे में एक्सपीरियंस गैप कैसे फिल करें? रेज्यूमे में एक्सपीरियंस गैप यानी वो पीरियड जब आप नौकरी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर ये बात जरूर पूछते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में गैप क्यों है। अगर वो गैप 2 महीने से ज्यादा है तो इसका जवाब अच्छे से देना बहुत जरूरी है इंटरव्यू में। आइए आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। दूसरे एक्टिविटीज के बारे में सोचिए जो आप डाल सकते हैं उस पीरियड के लिए। जैसे आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे थे, या अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे थे, या कोई कोर्स कर रहे थे, या अपनी फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे इमरजेंसी के कारण, ये रीजन आप बता सकते हैं। कुछ महीनों का गैप ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अगर गैप कुछ महीनों का है, जैसे 3-4 महीने, तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर इसके बारे में ना पूछे, पर आप इसके लिए भी एक जवाब तैयार करके जाइए। क्या पता अगर कहीं पूछ लिया तो। यकीन दिलाइए कि आप इंडस्ट्री से अप टू डेट हैं। गैप के कारण आपकी नॉलेज में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा कहिए कि उस दौरान भी आप अपनी फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और अप टू डेट थे। इसके बाद हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे वो कंफर्म कर पाए कि आप अपनी फील्ड के बारे में लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी रखते हो। अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए। अगर आप किसी ऐसी कारण की वजह से जॉब नहीं कर पा रहे थे, जैसे फैमिली को संभाल रहे थे या कोई बीमार था इसलिए, तो सच बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको सॉरी होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नसीब के कारण हुआ होगा, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे आप एक्सपीरियंस में गैप को फिल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स बॉक्स पर लिख दीजिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा। धन्यवाद।